नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या बनाती हूँ। आज मैं पनीर के साथ एक मिक्स वेजिटेबल बनाऊंगी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनती है खाने में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं आलू, गाजर, फूल गोभी और पत्ता गोभी और कुछ हरी मिर्च मैंने यहाँ पर कट करके रखा है। उसके बाद हम पहले पनीर को, जो हमने क्यूब्स में कट कर लिया है, बहुत बड़े साइज में भी नहीं किया है और ना ही बहुत छोटे साइज में हमने इसको कट किया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा हमें फ्राई करना है। तो हम पहले इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। अगर आप किसी और तेल यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे हम हल्के हाथ से। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी, बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी कम इसमें हल्दी, और हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। हल्दी से इसमें रंग जो है वो बहुत बढ़िया आएगा, और नमक से ये जो स्वाद जो है पनीर का वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें नमक और हल्दी ऐड करते हैं। करके हम इसे अब फ्राई करके अलग से निकाल लेंगे। अब हम बनाते हैं सब्जी। तो पहले सब्जी के लिए जिस जो तेल में हमने पनीर फ्राई किया है, उसी तेल में हम एक चम्मच जीरा और एक सूखी मिर्च ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा हम जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को हम थोड़ा सा अच्छे से तल लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम आलू को। उसके बाद हम जो सब्जी हमने कट करके रखा है, उसे हम एक एक करके इसमें ऐड करते जाएंगे। पहले हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस जो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैंने इसमें गाजर जो मैंने लंबे करके कट करके रखे हैं, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत पतला आपको गाजर को काटना नहीं है, थोड़ा सा मोटा रखना है गाजर को। इस तरीके से हम गाजर को ऐड कर लेंगे। ऐड करके अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे इसको। ये देखिए, जैसे ही थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया है, उसके बाद हम इसमें फूलगोभी जो हमने कट करके रखा है, बहुत बड़ा साइज नहीं, छोटे साइज में कट किया है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, जो हमने बीच से स्लाइसेस किए हुए हैं। इस तरीके से हम हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे। अब हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से सब्जी को। इसे आपको हाई फ्लेम में ही फ्राई करना होगा। अब हम इसमें एक टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक ऐड किया है। एक चम्मच हमने जीरा पाउडर ऐड किया है और एक चम्मच हमने यहाँ पर शुगर ऐड किया है, चीनी ऐड किया है। इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो चीनी है वो टेस्ट जो है इसका और भी ज़्यादा अच्छा लाता है, लेकिन अगर आपको चीनी पसंद नहीं है, इसमें मिठास पसंद नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, आप नहीं भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन इसमें चीनी जो थोड़ा सा हल्का, बहुत मीठा नहीं होता है, बिल्कुल हल्का सा एक टेस्ट जो है वो उसको बढ़ा देता है ये जो शक्कर है, इसलिए हम इसमें शक्कर ऐड करते हैं। अब हम इसमें पत्ता गोभी जो हमने कट करके रखा है, उसको हम ऐड कर देंगे। करके हमें इसको जस्ट थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम में एकदम ढक के कम 6-7 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। 6-7 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, पत्ता गोभी जो है बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, बिल्कुल नरम हो गया है। ये वेजिटेबल्स जो जितने भी है, सारे वेजिटेबल्स अच्छे से पक चुके हैं यहाँ पर, लेकिन और भी थोड़ा हमें इसे और थोड़ा पकाना है।
अब हम इसमें पनीर जो है वो ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद हमें 3 से 4 मिनट इसे थोड़ा सा पकाना होगा, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 3 से 4 मिनट हमें ही पकाना है। देखिए यहाँ पर जो है मिक्स वेजिटेबल पनीर के साथ बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज बस वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, तब तक के लिए।